गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास एट में चैप्टर 16 लाइट पढ़ रहे थे। लाइट में अपन ने लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो क्लास टेंथ में भी आप पढ़ोगे कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब है जब अपन लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम, यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शेप का है ना, ग्लास का बना ऐसा कोई अरेंजमेंट होता है जिसके ऊपर अपन व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो ये व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड कर देगा, है ना, 7 कलर में डिवाइड कर देगा। अगर यहाँ पे अपन एक व्हाइट स्क्रीन रखते हैं तो 7 कलर अपने को व्हाइट स्क्रीन पे दिखेंगे, है ना, ऊपर दिखेगा रेड, नीचे दिखेगा ऑरेंज, उसके बाद में येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट, ऐसे 7 कलर अपने को व्हाइट स्क्रीन पे दिखेंगे। इसको अपन बोलते हैं बैंड। क्या बोलते हैं, बैंड। और ऐसे बैंड बन रहे हैं ना धीरे धीरे, रेड का बन रहा है, फिर ऑरेंज का बन रहा है, फिर येलो का बन रहा है, और इस पूरे को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जब व्हाइट लाइट अपन स्क्रीन, व्हाइट लाइट अपन जब प्रिज्म पे डालते हैं तो प्रिज्म क्या कर देता है, उसको स्प्लिट कर देता है 7 कलर में, उसी को अपन बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट को पहले जब, जो पहले डिस्कवर किया उस साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन। न्यूटन ने 1665 में डिस्पर्जन को डिस्कवर किया। न्यूटन डिस्कवर्ड बाय हिज एक्सपेरिमेंट विद ग्लास प्रिज्म दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। और उसने बताया कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर का मिक्सचर है, दिख रहा है आपको 7 कलर, उसका मिक्सचर है। ये किसने बताया, न्यूटन ने। और डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन मैंने बताया जो व्हाइट लाइट को अपन है ना एक ट्रायंगुलर प्रिज्म पे या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे डालते हैं तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आगे देखो, ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, द व्हाइट लाइट स्प्लिट टू फॉर्म ए बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑन ए व्हाइट स्क्रीन। तो यहां पे 7 कलर्स का बैंड बनते हैं जिसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, ए बैंड ऑफ 7 कलर, 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन व्हाइट स्क्रीन when a beam of white light passed through a glass prism is called spectrum। कि a band of 7 colors formed on a white screen, है ना, 7 color के band white screen पे बन रहे हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, spectrum। जब अपन white light अपन डालते हैं किसी भी transparent medium में तो screen पे, इसके सामने अपन ने screen रख दी है ना, तो वहां पे अपने को 7 color दिखाई देंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, spectrum। और इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। व्हाइट लाइट अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब आपको अगर ये एक्टिविटी घर पे करनी है और आपके पास प्रिज्म नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो, कि आप एक मिरर लो, है ना, रेक्टेंगुलर मिरर लो, उसको बाउल में रखो और उसको पानी से भर दो, ठीक है। उस बाउल को आप विंडो के पास रखो तो विंडो से डायरेक्ट लाइट मिरर पे गिरेगी, मिरर क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा, और जिधर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वहां पे आप क्या कर दो, स्क्रीन लगा दो, या ऐसा अरेंजमेंट करो कि वो लाइट व्हाइट वॉल पे जाए। व्हाइट वॉल पे जाएगी तो आपको आप देखोगे व्हाइट वॉल पे, वहां पे आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखेगा, है ना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो व्हाइट लाइट है उसके अंदर कितने कलर है, 7 कलर, कितने कलर है, 7 कलर।
ये आपको ध्यान रखना है, ये पैटर्न पहले ऊपर क्या आएगा, रेड आएगा, फिर उसके बाद में ऑरेंज आएगा, फिर येलो। इसको याद करने का तरीका है, आप विप क्योर याद रखो, विप क्योर मतलब नीचे वॉयलेट, उसके बाद में इंडिको, उसके बाद में ब्लू, उसके बाद में ग्रीन, उसके बाद में येलो, उसके बाद में ऑरेंज, और ऊपर क्या आएगा, रेड। एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, अगर वाइट लाइट देखो सीधी जा रही थी, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो वाइट लाइट की जो डायरेक्शन होती वो कैसी होती, सीधी, ठीक है। लेकिन प्रिज्म ने क्या कर दिया, उसको थोड़ा डेविएट कर दिया, मतलब मोड़ दिया। तो सबसे ज्यादा जो कलर वाली लाइट डेविएट हुई वो कौन सी हुई, रेड हुई या वॉयलेट हुई, सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी हुई, सबसे ज्यादा कौन सी मुड़ी, वॉयलेट, सबसे कम कौन सी मुड़ी, रेड। तो रेड सबसे कम मुड़ी, सबसे कम डेविएट हुई, और सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी हुई, वॉयलेट, ठीक है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लाइट का डिस्पर्जन, क्या बोलते हैं, लाइट का डिस्पर्जन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, ह्यूमन आई का एक कुछ पार्ट अपना बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में अपन